जय हिंद फ्यूचर फंड आप ऑप्शन में लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली है कंपनी। इस सेक्टर में अपना झंडा गाड़ चुकी है और आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी, वैसे अभी भी एक ट्रेंडिंग सेक्टर है, लेकिन आने वाले समय में जब अपने बूम पर होगा उस समय सिर्फ एक ही कंपनी होगी जो सबके जुबान पर होगी, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। साल 2023 में कंपनी कमाई कराने के लिए तैयार है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अलग अलग नया टारगेट निकल कर इस स्टॉक के लिए सामने आ रहे हैं। देखिए, जो ट्रेंडिंग सेक्टर होता है उसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जब किसी स्टॉक को लेकर टारगेट देते हैं तो उनकी भी कुछ हिस्सेदारी इस स्टॉक में होती है। खैर, हम लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आपको बताएंगे क्या नया अपडेट निकल कर सामने आया है, आपको इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, शेयर प्राइस अभी देखेंगे तो तकरीबन 10 रुपये से 8 पैसे के आसपास चल रहा है और इसमें तकरीबन 5% के आसपास फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी इन दिनों लगातार देखने को मिल रही है। तकरीबन आप पिछले 6 माह से देखेंगे तो स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 माह पहले जहाँ जून जुलाई में स्टॉक का शेयर प्राइस 5-6 रुपये के आसपास हुआ करता था, देखिए अभी बढ़कर तकरीबन 10.5 रुपये और 11 रुपये के आसपास चला गया। 15 दिसंबर को इस स्टॉक का प्राइस 11.5 रुपये के आसपास भी चला गया था। तो देखिए, शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये ट्रेंडिंग सेक्टर में काम करने वाले स्टॉक और उसमें भी कंपनी टॉप पर है, क्योंकि विंड टरबाइन और सोलर पैनल का काम एक कंपनी करती है और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो करती है विंड टरबाइन का जो कंपनी, वो सुजलॉन एनर्जी है। पिछले 6 माह में देखेंगे तो तकरीबन 70% ये स्टॉक चढ़ा है और पिछले 1 माह में सिर्फ बात करें तो 15% के आसपास ये स्टॉक चढ़ा है, तथा जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे के दिन भी तकरीबन इसमें 5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। तो तेज़ी का दौर इन दिनों चल रहा है। तेज़ी इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि इस स्टॉक में कारोबार इन दिनों ज़्यादा हो रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह में जहाँ 22 करोड़ के आसपास टोटल इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, उतना देखेंगे तो सिर्फ पिछले दिनों, सिर्फ मतलब थर्सडे दिन की बात करें तो तकरीबन 12-14 करोड़ के आसपास एक वॉल्यूम क्रिएट होते हुए दिखाया, तथा कल फ्राइडे के दिन की यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान की बात करें तो तकरीबन 27 करोड़ का वॉल्यूम एक ही दिन में क्रिएट होते हुए दिखा। तो कहने का मतलब है कि जितना वॉल्यूम पहले 1 सप्ताह में होता था, 1 महीना में होता था, उतना अब एक एक दिन में होने लगा है, यानी कि इसमें कामकाज तेज़ी से हो रहा है। इस कंपनी के शेयर की खरीद फरोख्त ज़्यादा हो रही है। अब देखिए, यदि वॉल्यूम टॉपर की बात करें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान कौन कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री की गई, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो स्टॉक है वही सुजलॉन एनर्जी, उसके बाद येस बैंक का नंबर था, इसमें दूसरे नंबर पर येस बैंक था जिसमें सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त हुई जिस शेयर की, और तीसरे नंबर पर रहा वोडाफोन, यानी कि वोडाफोन भी लोगों के रडार पर है। देखिए, तीनों कंपनी हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब ये अपनी बुलंदियों पर थी, बाद में शेयर प्राइस कम हुआ तो पेनी स्टॉक बनकर रह गया, लेकिन तीनों कंपनियों का मार्केट कैप पेनी स्टॉक काफ़ी ऊपर का मार्केट कैप है और आने वाले समय में बुलंदी पर जा सकता है, इसलिए लोगों के खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स की इन तीनों कंपनियों पर नज़र रहती है। हम लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करें, सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड एक नया अपडेट ये है कि सेबी ने इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज कर दी है, यानी कि जो ट्रेडिंग विंडो होता है उसको क्लोज़ कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कंपनी के क्वार्टर के नतीजे आने वाले होते हैं, जैसे अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने वाला है यानी कि Q3 की, तो सेबी ने इसमें ट्रेडिंग रोक दी है। ऐसा सेबी इसलिए करता है क्योंकि कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जैसे MD, CMD, CFO जैसे लोग, ये मिसयूज ना करें, क्योंकि उनको कंपनी के अंदर की सारी जानकारियाँ पता होती है और उसका यूज़ करके वो कंपनी में इंसाइडर ट्रेडिंग करके एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए रिजल्ट आने से कुछ समय पहले ही इसमें ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाती है। 1 जनवरी 2023 इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई है और जब Q3 का रिजल्ट आ जाएगा उसके 48 आवर के बाद फिर से इंसाइडर ट्रेडिंग इसमें ओपन की जाएगी। तो ये बेसिकली एक अपडेट था जिसके बारे में हमको जानना जरूरी था, मतलब Q3 के नतीजे आने वाले हैं और उम्मीद है Q3 के नतीजे भी अच्छे आएंगे, क्योंकि ये जो अभी सीजन चल रहा है इसको संता रैली कहा जाता है मार्केट में। मार्केट के लिए भी अच्छा होता है और खासकर पीनी स्टॉक के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इस सेशन में जो दिसंबर जनवरी फरवरी में शेयर जितने भी पीनी स्टॉक होते हैं बुलंदियों पर होते हैं और ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हर एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, खासकर पीनी स्टॉक की बात करें तो अच्छे ही आते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं इसमें भी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट का, इस कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रिजल्ट जो जब आएगा तो इसके बारे में आपको वीडियो बना के बताऊंगा, तब तक आप इसमें बने रहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको बताई जानकारी पसंद आई होगी, अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।